अगर मैं यहाँ पे गैलरी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, तो स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक फोटो यहाँ पे देखने फिर से दिखाता हूँ। इस प्रकार से स्क्रॉल करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा और पासवर्ड एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ, तो देख सकते हैं जिस फोटो को मैंने प्राइवेट एल्बम में डाला था वो फोटो वीडियो आपको यहाँ पे शो नहीं हो। प्राइवेट एल्बम में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्राइवेट एल्बम को यहाँ पे ओपन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब। तो चलिए मैं यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फोटो यहाँ पे गायब हो चुका था वो फोटो अब आपको यहाँ पे देखने को। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्राइवेट एल्बम के बारे में। गैलरी एप्लीकेशन में प्राइवेट एल्बम का जो भी फोटो या वीडियो अगर आपका यहाँ पे डिलीट हो गया है तो उसको वापस कैसे ला सकते हैं, वो टोटल चीज में आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखे, मैं यहाँ पे कोई भी नेट यूज नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा यहाँ पे वाईफाई ऑन है, ना मोबाइल डाटा को मैंने ऑन करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे गैलरी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, तो स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे प्राइवेट एल्बम में डाल के रखा हुआ है। उसके अलावा जैसे मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और बैक होने के बाद जैसे कुछ फोटो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि चार फोटो को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू एल्बम वाले सेक्शन में जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी आपको प्राइवेट एल्बम वाला ऑप्शन शो नहीं होगा। उसके अलावा अगर यहां से बैक होने के बाद थ्री डॉट वाले ऑप्शन में जाऊंगा, देन सेटिंग पे क्लिक करता हूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं Xiaomi क्लाउड वाला बैकअप वाला ऑप्शन भी यहां पे शो नहीं हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि प्राइवेट एल्बम का फोटो आप यहां पे निकाल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि पुराने से पुराने फोटो या वीडियो को अगर आपका डिलीट हो गया तो कैसे रिकवरी कर सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो आपका काम नहीं करता है देन ये वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसमें आपका 100% वर्क करेगा। अब क्या करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख लिया कि मेरा एक फोटो वहां पे दिख रहा है, उसके अलावा यहाँ पे ट्रेस बिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ट्रेस बिन में जो भी मैं फोटो या वीडियो को डिलीट करता हूँ तो वो यहाँ पे ट्रेस बिन में चला जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन है गैलरी एप्लीकेशन, में इसको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, एप्स में जाऊंगा और अनइंस्टॉल अपडेट पे क्लिक करूंगा। ये देख सकते हैं मेरा अनइंस्टॉल अपडेट हो चुका है और आप यहाँ पे अगर देखें तो पुराना वर्जन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे गैलरी एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो ओपन करने के बाद जितने भी फोटो वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एल्बम सेक्शन में जाऊंगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ट्रेस बिन देखें तो ट्रेस बिन अब आपको यहाँ पे पूरा खाली देखने को मिलेगा, तो जो भी फोटो वीडियो को आपने गैलरी से डिलीट किया था वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट एल्बम में जाता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, इस प्रकार से स्क्रॉल करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा और पासवर्ड एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ, तो देख सकते हैं जिस फोटो को मैंने प्राइवेट एल्बम में डाला था वो फोटो वीडियो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। उसके अलावा जैसे यहाँ से बैक हो जाता हूँ, थ्री डॉट में जाऊंगा, सेटिंग में जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कभी आपको यहाँ पे Xiaomi क्लाउड देखने को मिलेगा, कभी आपको यहाँ पे गूगल का फोटो देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको टर्न ऑन करते हैं फिर भी आपको यहाँ पे फोटो देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद ऑन पे क्लिक करूंगा, देन ओके पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक बार ऑन कर लेता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे वाईफाई का एक बार मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है और आप अगर यहाँ पे देखें तो मेरा वाईफाई ऑन होने के बाद अगर प्राइवेट एल्बम में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे फोटो वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे वाईफाई को बंद कर देता हूँ। अब आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, जैसे अगर आप यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम एप्स अपडेटर में जाते हैं, तो सिस्टम एप्स अपडेटर में जाने के बाद एक बार वाईफाई को ऑन करने का सिस्टम एप्स अपडेटर में आपको दिखा देते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे वाईफाई को ऑन कर लिया है और सिस्टम एप्स अपडेटर में जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैलरी का एक अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाता है 3.4.11.3, ये आपको ग्लोबल अपडेट देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको अपडेट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपको फोटो वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिले देन क्या करना है, मैं आपको एक वर्सन बताने वाला हूँ, इस वर्सन को आपको अपडेट कर लेना है। ये देख सकते हैं ये जो वर्सन मिलेगा 3.4.11.3 ये वर्सन देखने को मिलेगा, पर ये जो मैं आपको वर्सन बताने वाला हूँ ये ग्लोबल वर्सन नहीं है, ये बेटा वर्सन है, इसको अपडेट कीजिएगा तो आपको प्राइवेट एल्बम फोटो देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अपडेट होना चालू हो जाएगा, ये अपडेट हो चुका है, देख सकते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो रहा है। अभी आप यहां पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको यहां पे एक बार वर्सन दिखा देता हूं, ये वर्सन को मैंने अपडेट कर लिया है।
अब मैं यहां पे क्या करूंगा, गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर लूंगा। गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, गॉटेट पे क्लिक करूंगा और गॉटेट पे क्लिक करने के बाद एल्बम वाले सेक्शन में जाऊंगा। और एल्बम वाले सेक्शन में जाने में सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं ट्रेसबिन। ट्रेसबिन में आप देखने देखा था कि जो भी फोटो वीडियो आपको दिख रहा था वो डिलीट हो चुका था। देख सकते हैं ये फोटो वीडियो दोबारा यहां पे आ चुका है। उसी प्रकार यहां पे प्राइवेट एल्बम में आपको यहां पे दिखा देता हूं। प्राइवेट एल्बम को यहां पे ओपन करूंगा तो आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो इस प्रकार का एक आपको यहां पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें बताया जा रहा है कि आपका जो प्राइवेट एल्बम है वो बंद होने वाला है और वो 30/4/2023 तक आपके यहां पे बंद हो जाएगा। इसलिए जो भी फोटो या वीडियो है वो आप यहां पे रिकवर कर ले। तो चलिए मैं यहां पे नोट नाउ पे क्लिक कर देता हूं। अभी आप यहां पे देख सकते हैं जो फोटो यहां पे गायब हो चुका था वो फोटो अब आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। यहां पे रिमूव टू प्राइवेट एल्बम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो भी फोटो वीडियो है उसको आपको गैलरी में ले आना है। आप रिमूव टू प्राइवेट एल्बम में जाए, उसके बाद कोई भी फोल्डर को आपको यहां पे चूज कर लेना है और फोटो को यहां से निकाल लेना है, क्योंकि ये गैलरी एप्लीकेशन कभी भी आपका यहां पे डिलीट हो सकता है, उसका प्राइवेट एल्बम कभी भी डिलीट हो सकता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये फोटो और वीडियो यहां पे आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्राइवेट एल्बम के जो भी फोटो वीडियो आपका यहां पे डिलीट हो गया है तो उसको वापस ला सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि जिस एप्लीकेशन को मैंने अपडेट किया है उसको कहां से आप अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना है। ये देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिलेगा, यहां पे आपको एपीके फाइल मिल जाएगा, उस एपीके फाइल को अपडेट कर लीजिएगा तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।